क्या चल रहा है भाई? कुछ नहीं भाई, अभी 10-12 दिन पहले बुआई का काम खत्म किया और अभी आराम से बैठा हूँ। और खरपतवार नाशक का छिड़काव किया? इतना जल्दी क्या है यार, तुम्हें तो पता है कि मकई की फसल शुरुआती अवस्था में देरी से बढ़ती है। पहले फसल को बड़ा तो होने दो, फिर खरपतवार नाशक का छिड़काव करूंगा। क्या तुम्हें पता नहीं कि फसलों को शुरुआती अवस्था के समय में पोषण तत्व, पानी, सूर्य प्रकाश और जगह के लिए खरपतवारों से कड़ा मुकाबला करना पड़ता है। खरपतवार बड़ी मात्रा में मिट्टी से कीमती पोषण तत्व और वातावरण से नमी छीन लेते हैं और फसल को नहीं मिलने देते। इतना ही नहीं, मकई की फसल शुरुआती समय में धीमी गति से बढ़ते हैं, इस वजह से खरपतवार फसलों के उगने से पहले ही उग जाते हैं। इस कारण मकई के फसल तक सूर्य किरण पहुंच नहीं पाते हैं, नतीजतन फसल प्रकाश संश्लेषण पर्याप्त मात्रा में नहीं कर पाती, मकई के दाने ठीक से विकसित नहीं हो पाते और इसका सीधा सीधा असर फसल की उपज पर पड़ता है। इसीलिए मकई की फसलों में खरपतवारों का प्रबंधन शुरुआती अवस्था के समय करना जरूरी है। इसलिए खरपतवार प्रबंधन के लिए मैं इस्तेमाल करता हूं बायर का लॉडिस।